हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू कनाडा। दिस इज शेफाली। डिस्कशन करने वाले हैं हायर एजुकेशन सिस्टम यानी उच्च शिक्षा प्रणाली। ये चैप्टर वन है उच्च शिक्षा प्रणाली का। इसके पहले हालांकि हम लोगों ने टीचिंग एप्टीट्यूड के काफी सीरीज कर ली है, रिसर्च एप्टीट्यूड पे हमारी क्लासेस चल रही है, पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट में भी मैं वीडियोज अपलोड कर रही हूँ। बट हायर एजुकेशन सिस्टम एक ऐसा यूनिट है जिसपे अभी तक कोई वीडियो मैंने अपलोड नहीं की है। सिर्फ एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे मैंने आपको वीडियो बताया था, कंप्लीट वीडियो बताया था उस पॉलिसी के बारे में और क्वेश्चन भी कराए थे। लगभग 40 क्वेश्चन मैंने उस पर थे, वो वीडियो जरूर से देख लेना, क्योंकि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो उच्च शिक्षा प्रणाली का काफी इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो आज के सेशन में पढ़ने वाले हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के बारे में, यूनिवर्सिटी क्या होती है, और क्योंकि हर साल लगभग यूनिवर्सिटीज जो है वो ऐड होती रहती है यूजीसी के अंदर में, तो कितनी स्टेट यूनिवर्सिटी है, कितनी डीम्ड यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कितनी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी कितनी है, यूजीसी खुद में क्या है, एपेक्स लेवल बॉडीज कौन कौन सी है, रेगुलेटरी बॉडीज कौन कौन सी है, देन आपकी रिसर्च काउंसिल कौन कौन से हैं, सारा कुछ आज डिस्कशन करने वाला है इस सेशन में। तो सेशन काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और डेटा बिल्कुल नया है, अपडेटेड है। अगर आप पियर्सन की बुक से पढ़ेंगे या अरिहंत की बुक से ये टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको डेटा 2018-19 के मिलेंगे या 20 के मिलेंगे डेटा, अगर बुक नई एडिशन की नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आपसे पूछता है लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग तो आपके आंसर गलत हो सकते हैं। तो आपको डेटा लेटेस्ट पता होना चाहिए। साथ ही नेशनल इंपॉर्टेंस इंस्टीट्यूट क्या है, NIRF की रैंकिंग के अकॉर्डिंग 2021 में NIRF ने किन्हें सबसे नंबर वन यूनिवर्सिटी बोला है, सबसे नंबर वन कॉलेज इंडिया में क्या है, सब कुछ आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं स्टडी। सो सेशन को लाइक कर दो, अगर चैनल पे नए हो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना, काफी इंफॉर्मेटिव सेशन होने वाला है। स्टार्ट करते हैं, आज सीख लेते हैं कुछ नया, जान लेते हैं कि कुछ नया। पेपर वन में मैंने आपको बताया कि 10 यूनिट्स हैं और 10वां यूनिट है आपका कौन सा, ये हायर एजुकेशन वाला, काफी इंपॉर्टेंट है हायर एजुकेशन, और इससे हर साल लगभग 5 क्वेश्चन आते हैं एंड 2 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन इसी टॉपिक से आते हैं, मतलब यूनिवर्सिटी और जितने भी आपके रेगुलेटरी बॉडीज हैं, एपिक्स लेवल बॉडीज हैं, कितने प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, कितने स्टेट यूनिवर्सिटी है, रैंकिंग से, कमीशन से, इन सारे से क्वेश्चन आते हैं। सो काफी इंपॉर्टेंट सेशन है। कुछ स्टूडेंट्स बार बार मेरे से पूछ रहे हैं, मैं उनको बता रही हूँ लेकिन शायद आप ध्यान नहीं दे रहे हो, ये क्या प्रॉब्लम है, बहुत ही ध्यान से सुनो कि टीचिंग एप्टीट्यूड की कंप्लीट सीरीज मैंने प्लेलिस्ट में डाली हुई है। टीचिंग एप्टीट्यूड की कंप्लीट सीरीज लगभग 23 क्लास लिया है, 23 से 24 क्लास है, टॉपिक वाइज सब कुछ समझाया है और वो वीडियो आप देख लेना, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी सेक्शन में। और साथ ही मैं अगर आपको बताऊं तो रिसर्च एप्टीट्यूड का भी हम लोग सेशन कर रहे हैं बट कंप्लीट नहीं हो पाया है, तो कुछ कुछ मेजर टॉपिक्स हम लोग कंप्लीट किया रिसर्च का, बट अभी भी काफी कुछ उसमें करना बाकी है। पीडी में भी मैंने काफी कुछ डाला हुआ है, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट, और हायर एजुकेशन का तो आज क्लास है ही है, सेकेंड क्लास है। पहली क्लास मैंने हायर एजुकेशन के लिए थी तो उसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी बताया था, नई शिक्षा नीति जो आई थी वो हम लोगों ने पढ़ी थी, तो वो भी वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, उसको भी देख लेना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सोशल मीडिया हैंडल्स देख लो, पीडीएफ मिल जाएगी यहाँ पर, टेलीग्राम के इस लिंक पर, इंस्टाग्राम का ये लिंक है, फॉलो करना चाहो तो कर सकते हो, फेसबुक का ये लिंक है, यूट्यूब का तो ये लिंक है ही है। तो हायर एजुकेशन सिस्टम के अंदर में यूजीसी क्या कुछ करती है, एपिक्स लेवल बॉडी क्या है, वो सब कुछ समझेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप देख लो कि आपको पढ़ना क्या कुछ है, क्योंकि हमें अगर पता रहेगा कि हमें जाना किस रास्ते से है, यानी कि पढ़ना कौन कौन सा टॉपिक है, तो आपको क्लियर रहेगा। तो यूनिट नंबर 10 की बात करें पेपर वन में, तो ये कुछ 6 पॉइंट्स हैं, 6 यूनिट्स हैं जो आपको पढ़ना है। तो इसमें इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन इंडिया सिलेबस, ये सिलेबस है आपका यूनिट 10 का, कंप्लीट सिलेबस मैंने टेलीग्राम पे आपको शेयर किया हुआ है, जिसमें 1 से लेकर के 10 यूनिट जितनी भी है पेपर 1 की, कंप्लीट सिलेबस मैंने आपको शो किया हुआ है। आज लास्ट सेशन में दिखा भी दूंगी मैं एक बार सिलेबस, बाकी अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम के लिंक से। तो ये कुछ चीजें हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे और चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले यूजीसी के बारे में समझेंगे कि यूजीसी क्या है, लेकिन पहले इसके पहले समझेंगे कि एपेक्स लेवल बॉडीज क्या है। 8 एपेक्स लेवल बॉडीज है इंडिया में, जिसको बोलते हैं, यहां पे मैं लिख के चलती हूं, देयर आर 8 एपेक्स बॉडी, ठीक है। अब इसके अंदर में क्या है, ये किसके अंदर में है, अंडर डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, अंडर डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, ठीक है, हायर एजुकेशन। सो 8 एपेक्स बॉडी है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के
अंदर में। अब इसमें क्या है जो कि आपके हायर एजुकेशन को पूरा कंप्लीटली मैनेज करती है, मतलब भारत में जो भी उच्च शिक्षा स्तर है या प्रणाली है तो उसको ये 8 एपेक्स बॉडी मिल करके रेगुलेट करती हैं। अब ये जो 8 बॉडी है इनको 2 भागों में बांटा गया हुआ है, डिवाइड किया गया हुआ है। तो 2 भाग क्या है, पहली तो है आपकी रेगुलेटरी बॉडी और दूसरा है रिसर्च काउंसिल। रेगुलेटरी बॉडी और दूसरा है आपका रिसर्च काउंसिल, ठीक है, रिसर्च काउंसिल। अब समझो ये जो रेगुलेटरी बॉडी है, इन रेगुलेटरी बॉडी को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें से आपके यूजीसी है, दूसरा है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रिसर्च फॉर टेक्निकल एजुकेशन, तीसरा है काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर। ये सारी तीनों क्या है, रेगुलेट करती हैं हायर एजुकेशन इंडिया में। तो 3 ये हो गई और 5 जो है वो आपकी काउंसिल के अंदर में आती है, यानी कि रिसर्च काउंसिल के अंदर में आती है, जिसमें से कि आपकी इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस एंड रिसर्च है नई दिल्ली, इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसॉफिकल रिसर्च है न्यू दिल्ली, सेंटर फॉर स्टडीज इन सिविलाइजेशन प्रोजेक्ट्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडियन साइंस फिलोसफी एंड कल्चर, और चौथा है आपका इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, पांचवा है नेशनल काउंसिल ऑफ रूरल इंस्टीट्यूट हैदराबाद। तो हमें रिसर्च काउंसिल नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है रेगुलेटरी बॉडी। एक बार फिर से देख लेते हैं इसको, 8 एपेक्स बॉडी है जो कि इंडिया में क्या करती है, हायर एजुकेशन सिस्टम को रेगुलेट करती है। अब इनको 2 भागों में विभाजित किया है 8 एपेक्स बॉडी को। सबसे पहली क्या है आपकी रेगुलेटरी बॉडी, आप बोल सकते हो एपेक्स बॉडी क्या है, आपकी रेगुलेटरी बॉडीज है, ठीक है, जो कि आप किसको रेगुलेट करती हैं, हायर एजुकेशन सिस्टम को, हायर एजुकेशन सिस्टम को, हमारे इंडिया में जो उच्च शिक्षा स्तर है या प्रणाली है उसको ये रेगुलेट करती हैं। 8 महत्वपूर्ण एपेक्स बॉडी हैं। अब इनको फर्दर 2 कैटेगरी में विभाजित किया गया है, क्या है, पहली क्या है रेगुलेटरी बॉडी, ठीक है, रेगुलेटरी बॉडीज है, एंड देन है आपकी क्या, रिसर्च काउंसिल्स, रिसर्च काउंसिल्स, ठीक। तो 5 आपके रिसर्च काउंसिल हैं और 5, 6, 7, 8 और 3 आपकी क्या है, रेगुलेटरी बॉडीज हैं। तो रेगुलेटरी बॉडीज को फर्दर 3 भागों में डिवाइड किया है, ठीक है, जिसमें से आपकी है यूजीसी जिसके बारे में आप पढ़ रहे हो, जिसका आप नेट का एग्जामिनेशन देते हो, फिर उसके बाद में है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, यहां पे मैं लिख देती हूँ ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE, आपने सुना होगा। फिर है आपका काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर यहां पे मैं लिख दे रही हूं, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, ठीक। तो 3 ये हो गए, 1, 2, 3 ये हो गए और 5 ये हो गए, तो 5, 3, 8 हो गए, तो 8 एपेक्स बॉडी हो गई ना। अभी समझ में आ गया आपको कि इंडिया में जो भी उच्च शिक्षा प्रणाली है या हायर एजुकेशन सिस्टम है उनको कौन कंट्रोल कर रहा है, ये 3 एपेक्स बॉडी कंट्रोल कर रही है। तो हम लोग किनके बारे में पढ़ने वाले हैं, यूजीसी, और एग्जामिनेशन में सबसे पहले जो सवाल आता है वो यूजीसी से ही आता है, माय डियर फ्रेंड्स, मार्क माय पॉइंट्स, यूजीसी से ही सबसे ज्यादा सवाल आता है। बट आपको पता होने चाहिए कि कितनी एपेक्स बॉडी है। अब यूजीसी क्या है, थोड़ा सा इसको देख लो, यूजीसी को देखने पहले यूजीसी का फुल फॉर्म समझो। यूजीसी का फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन, यूनिवर्सिटी फुल फॉर्म में पूछ लेता है कई बार, ग्रैंड कमीशन, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। तो अब यूजीसी ग्रैंड कमीशन ये फुल फॉर्म है, तो यू का मतलब क्या है, यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी वर्ड आया कहां से, ये वर्ड आया है लैटिन वर्ड से, लैटिन में एक वर्ड था जिसका नाम था यूनिवर्सिटेस, क्या नाम था, यूनिवर्सिटेस। तो इस वर्ड से यूनिवर्सिटी का मतलब, ये वर्ड यहीं से आया था, लैटिन से आया था और वहीं से ये फिर वर्ड यूनिवर्सिटी में चेंज हुआ। इसका मतलब क्या होता है, स्पेशलाइज्ड एसोसिएशन बिटवीन स्टूडेंट्स एंड टीचर। यूनिवर्सिटी का मतलब कि एक अलग तरीके का एसोसिएशन टीचर्स के बीच में और स्टूडेंट्स के बीच में, अ काइंड ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट, इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सिटीज या कि यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि जितनी भी हायर लर्निंग होती है हमारे सोसाइटी में, जितने भी ग्रेट लीडर्स आते हैं, चाहे वो साइंस की फील्ड से आए, चाहे आर्ट्स की फील्ड से, या आपके नेशनल लाइफ की फील्ड से आए, अलग अलग फील्ड से आते हैं, तो फिर वो यूनिवर्सिटी
का यूनिवर्सिटी से ही वो निकल के आते हैं। तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन का जो मेन एम होता है वो होता है नॉलेज को प्रोवाइड करना, विजडम को प्रोवाइड करना, ताकि ओवरऑल स्टूडेंट्स की या लर्नर की जो पर्सनालिटी है वो डेवलप हो सके। जो मेन फंक्शन होता है वो यूनिवर्सिटी का, कि वो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करती है, रिसर्च कंडक्ट कराती है, पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडीज कराती है, एफिलिएशन प्रोवाइड करती है कॉलेजेस को, जो भी एक्सटेंडेड कॉलेजेस हैं उनके नीचे में। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में यूनिवर्सिटी का मतलब क्या होता है कि ऐसी यूनिवर्सिटी विच इज एस्टैब्लिश और इनकॉर्पोरेटेड बाय और अंडर सेंट्रल एक्ट, या कि प्रोविंशियल एक्ट या सेंट्रल एक्ट के अंदर में वो सारी यूनिवर्सिटीज जो कि एस्टैब्लिश होती हैं या इनकॉर्पोरेटेड होती हैं। ठीक, अब इसके अंदर में क्या होता है कि जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज होती हैं वो आपको डिग्री ग्रांट करती हैं एंड एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने के साथ में कुछ करिकुलम डिजाइन भी करती हैं, आपको कुछ एफिलिएशन भी देती हैं, आपको माने कि कॉलेज को एफिलिएशन भी प्रोवाइड करती हैं अलग अलग जितने भी आपके स्टेट्स हैं। तो ये काम किनका होता है? यूनिवर्सिटी का होता है। तो अब ये आपको समझ में आया कि यूनिवर्सिटी क्या है। अब समझो यूजीसी क्या करती है। तो यूजीसी क्या करती है? यूजीसी गवर्न करती है यूनिवर्सिटीज इन इंडिया। इंडिया में जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं उनका गवर्न कौन, उनको गवर्न कौन करता है? यूजीसी करती है। और ये कब, कौन से ईयर में एग्जिस्टेंस में आई थी? 28 दिसंबर 1953। ये डेट आपको याद रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट डेट। 1953 में आई थी कौन? यूजीसी आई थी। और ये एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, संवैधानिक संस्थान है, जो कि प्रॉपर इसको पार्लियामेंट में यानी कि संसद में एक एक्ट ला करके पारित किया गया था 1956 में। तो यूजीसी पूरा एक प्रॉपर इसको एक्ट लाया गया था और एक्ट के थ्रू इसको पारित किया गया था। अगर सेक्शन 12 देखे यूजीसी एक्ट के अंदर में, सेक्शन 12 की अगर बात करें तो उसका जो मेन फंक्शन है यूजीसी का, कोऑर्डिनेट करना और डिटरमाइन करना यानी कि निर्धारण करना। क्या निर्धारण करना? कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया में उनके स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना और उनमें कोऑर्डिनेशन बनाए रखना, ये सब चीज का निर्धारण कौन करता है? यूजीसी करती है। तो यूजीसी के जो चेयरमैन होते हैं, यूजीसी में मतलब यूजीसी के अंदर की जो बॉडीज होती हैं उनमें कौन कौन होते हैं? चेयरमैन होते हैं, वाइस चेयरमैन होते हैं एंड 10 अदर मेंबर्स होते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस, क्वेश्चन एग्जामिनेशन में इनसे भी पूछता है कई बार कि यूजीसी के अंदर में कौन कौन सी बॉडीज होती हैं, क्या क्या उनका सिस्टम होता है। तो एक चेयरमैन होते हैं, एक वाइस चेयरमैन होते हैं एंड 10 मेंबर्स होते हैं जिनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। और एक सेक्रेटरी होता है जो कि एग्जीक्यूटिव हेड बोला जाता है। इसका फंक्शन अगर देखें, इट्स फंक्शन फ्रॉम न्यू दिल्ली। यूजीसी का जो हेडक्वार्टर है कहाँ है? न्यू दिल्ली में है, एज वेल एज 6 रीजनल ऑफिस भी है इनके जो कि ओवरऑल इंडिया में है। कहाँ कहाँ है? पहला है बैंगलोर में, दूसरा है भोपाल में, तीसरा है गुवाहाटी में, चौथा है हैदराबाद में, पांचवा है कोलकाता में एंड छठा है पुणे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस, इसको आपको मार्क करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है आपका क्या कि यूजीसी का काम क्या होता है? इंप्लीमेंट करना यानी लागू करना, क्या अलग अलग स्कीम्स जिसका एम क्या होता है? इंप्रूव करना क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन, मतलब कि आपकी जो उच्च शिक्षा है उच्च शिक्षा की क्वालिटी को इंप्रूव करना किसका काम होता है? यूजीसी का काम होता है। लाइक यूनिवर्सिटीज विद पोटेंशियल ऑफ एक्सीलेंस, यूपीई, इसका फुल फॉर्म भी देख लेना। यूपी का फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सिटी विद पोटेंशियल एक्सीलेंस कॉलेजेस एंड पोटेंशियल फॉर एक्सीलेंस, सीपीई, सेंट्रल सेंटर एंड पोटेंशियल ऑफ एक्सीलेंस एंड अ पर्टिकुलर एरिया। ये सारे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है बट एक बार देख लो। सैप का फुल फॉर्म क्या है? स्पेशल असिस्टेंस प्रोग्राम। BSR का फुल फॉर्म क्या है? बेसिक साइंटिफिक रिसर्च। तो पहले जो इनके चेयरमैन थे यूजीसी के कौन थे? डॉक्टर सीडी देशमुख। डॉक्टर सीडी देशमुख फर्स्ट इनके चेयरमैन थे, किसके? यूजीसी के। काफी इंपॉर्टेंट है, एक बार आप इसको देख लो स्क्रीन पर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड एग्जामिनेशन में हर बार इससे क्वेश्चन जरूर पूछते हैं, इसका जरूर से आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसका एग्जामिनेशन में जरूर से इसका सवाल, मतलब इससे रिलेटेड सवाल आता है। ओके चलो ठीक है, तो इसमें यह भी इंपॉर्टेंट है कि सीडी देशमुख वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ यूजीसी। करंट में कौन है? प्रोफेसर डीपी सिंह, प्रोफेसर डीपी सिंह ये करंट में है। किसके चेयरमैन? यूजीसी के चेयरमैन प्रोफेसर प्रोफेसर डीपी सिंह है करंट में। सो मार्क माई पॉइंट गाइज, चलो स्टार्ट करते हैं आगे। ये कुछ यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अंदर में टोटल नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी है, बिल्कुल लेटेस्ट डेटा है। लेटेस्ट मतलब कि अगर बात करें ये 8-10 यानी कि 10
8 अक्टूबर का ये डेटा है, बिल्कुल है ना, मतलब अभी 8 अक्टूबर के डेटा है, ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन में। अगर आपसे सवाल पूछते हैं कि कितनी स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, तो 439, देर आर 439 स्टेट यूनिवर्सिटी इन इंडिया। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट डीम्ड यूनिवर्सिटीज, देर आर 126 डीम्ड यूनिवर्सिटी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी व्हेन वी टॉक अबाउट, देर आर 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटी। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट प्राइवेट यूनिवर्सिटी, देर आर 395 प्राइवेट यूनिवर्सिटी। टोटल इज 1014,040। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आज का टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, मिस नहीं करना है। ये देख लो पूरा कंप्लीट स्क्रीनशॉट ले लो। एंड वो सारी यूनिवर्सिटी जो सेक्शन 12B के अंदर में आती हैं, वो ये सारी हैं। सेक्शन 12B क्या बोलता है कि जितनी भी यूनिवर्सिटी सेक्शन 12B के अंदर में आती है, उनको अलग से फिनेंशियल एड मिलेगा, फिनेंशियल सपोर्ट मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये इतनी सारी जो यूनिवर्सिटी है, ये 12B के अंदर में आती है। UGC बोलती है, UGC एक्ट के अंतर्गत में जितनी भी यूजीसी एक्ट के सेक्शन 12 सब सेक्शन बी के अंतर्गत में जितनी भी यूनिवर्सिटी आती है, उनको अलग से मिलता है क्या, फाइनेंशियल सपोर्ट, फाइनेंशियल एड मिलता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, इसके अंदर में कितनी यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी, देयर 259 स्टेट यूनिवर्सिटी अंडर सेक्शन 12B। डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज 47, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज 54, एंड देन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज 50, सो टोटल इज 375। सो एग्जामिनेशन में अगर पूछता है कि हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी इन कंट्री इंडिया स्टेट यूनिवर्सिटी, सो यू हैव टू राइट 439। बट इफ इन एग्जामिनेशन इट आस्क कि अंडर सेक्शन 12B हाउ मेनी स्टेट यूनिवर्सिटीज इंडिया, देन यू हैव टू मार्क फॉर 259। सो मार्क माई पॉइंट, दिस इज बिग एंड ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस। दिस टॉक्स अबाउट टोटल यूनिवर्सिटी इन इंडिया, टोटल यूनिवर्सिटी, एंड दिस टॉक अबाउट अकॉर्डिंग टू 12, सेक्शन 12 एंड सबसेक्शन बी। सो सेक्शन 12 एंड सबसेक्शन बी के अकॉर्डिंग दिस वुड बी योर आंसर, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन कि स्टेट यूनिवर्सिटी कौन से सेक्शन के अंदर में है, देन डीम्ड यूनिवर्सिटी कौन से सेक्शन के अंदर में है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्या बोलती है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी क्या है। काफी इंपॉर्टेंट है सेशन आज का गाइज, एक बार देख लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सो सेंट्रल यूनिवर्सिटी को हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी बोल सकते हैं या यूनियन यूनिवर्सिटी भी बोलते हैं इंडिया में, जो कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू स्टैब्लिश करी जाती है। मेरी बात को बहुत ही ध्यान से सुनना, सुनते चलना, आपको समझ में आता सब कुछ चला जाएगा। सो इसका स्टैब्लिशमेंट हमेशा एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग होता है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। अंडर परव्यू ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हायर एडुकेशन, किसके अंडर में होता है, अंडर डिपार्टमेंट ऑफ हायर एडुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एडुकेशन, इसको सुनते चलना, ठीक है। इसको एक बार मेमोराइज कर लेना, चाहो तो नोट्स भी बना के लिख सकते हो। अब इसको अब ये भी किन के अंदर होता है, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, एमएचआरडी के अंदर में। गाइस एमएचआरडी का नाम अब चेंज किया जा चुका है, क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एडुकेशन, बट जब ये सारी चीजें प्रोसेस हो रही थी तो एमएचआरडी के अंदर में थी, तो इस वजह से हमें एमएचआरडी भी मेंशन करना पड़ता है। बट इसका नाम अब चेंज होकर के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है ना, जिसको रिकॉग्नाइज, ये सारी चीजें किन के अंदर रिकॉग्नाइज होती हैं, दीज ऑल आर रिकॉग्नाइज अंडर यूजीसी एक्ट 1956, यूजीसी एक्ट 1956, मार्क माई पॉइंट, ठीक है। एंड ऑल्सो देर इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ए विजिटर ऑफ ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो इंडिया का प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो भी इंडिया का प्रेसिडेंट है, वो हमेशा सेंट्रल यूनिवर्सिटी, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के क्या होते हैं, विजिटर होते हैं, ठीक है। एक मिनट, सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज विजिटर ऑफ वॉट, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ठीक है। देन सो वी आर टॉकिंग अबाउट सेंट्रल यूनिवर्सिटी। अब इसके अंदर में क्या है कि जो इग्नू न्यू दिल्ली इज फंडेड डायरेक्टली बाय एमएचआरडी। काफी बार ये क्वेश्चन आता है कि जो इग्नू है, जो कि न्यू दिल्ली में है, वो डायरेक्टली उसको कौन फंड करता है। सो इग्नू की बात अगर हम करें, सो इग्नू इज डायरेक्टली फंडेड बाय एमएचआरडी
यानी कि अगर आज की डेट में बात करें तो MHRD क्या, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इग्नू के बारे में सवाल पूछता है कि इग्नू की फंडिंग कौन करता है। ठीक, तो इग्नू की फंडिंग कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन करती है या MHRD करती है। सो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, विजिटर होते हैं, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, जितनी भी 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, इनके विजिटर के रूप में जो हमारे देश के राष्ट्रपति होते हैं वो विजिटर होते हैं, और वो नॉमिनेट भी कर सकते हैं कुछ सब मेंबर्स को जो कि उनके कमिटी में होते हैं। यूनिवर्सिटी के कमिटी में कुछ मेंबर्स को भी नॉमिनेट करने का राइट होता है प्रेसिडेंट को, ताकि जो भी यूनिवर्सिटी की फंक्शनिंग है वहाँ पे प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन की वो इफेक्टिव तरीके से हो सके, और जितने भी लीगल मैटर्स होते हैं या रेलिवेंट अगर अमेंडमेंट्स करने होते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर में, तो प्रेसिडेंट कर सकता है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर में। सो समझ में आया आप लोगों को कि क्या कुछ होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर में, इसका एस्टैब्लिशमेंट कब होता। कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का अगर पार्ट बनना है किसी भी यूनिवर्सिटी को, तो सबसे पहले उससे संबंधित एक एक्ट लाया जाएगा पार्लियामेंट में, और फिर उसके बाद में डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के अंदर में पूरा सब उसका एक्ट पूरा प्रॉपर प्रिपेयर करा जाएगा, जिसका रेगुलेशन MHRD यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन करेगी, और उसको रिकॉग्नाइज कौन करेगा, UGC एक्ट 1956 के अंडर में यूजीसी रिकॉग्नाइज करेगी। तब तो कहीं जाके कोई एक यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की श्रेणी में आएंगी। समझ में आई बात। अब बात समझो कि कितनी यूनिवर्सिटी है यहाँ पे। देखो 54 जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, एंड सेक्शन 12 जो है आपका UGC 1956 के अंदर भी 54 ही है, सेम टू सेम है, इसमें अलग से कुछ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब समझ लेते हैं कि स्टेट यूनिवर्सिटी का क्या कंसेप्ट है। सो स्टेट जो यूनिवर्सिटी होती है उनका स्टैब्लिशमेंट या जो इनकॉर्पोरेशन होता है वो प्रोविंशियल एक्ट के थ्रू होता है या थ्रू स्टेट एक्ट के थ्रू होता है। तो वो सारी यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर में आती है। किनके थ्रू होता है, प्रोविंशियल, प्रांतीय, प्रोविंशियल एक्ट और स्टेट स्टेट एक्ट। ठीक है, तो इनके इनके थ्रू क्या होता है, एस्टैब्लिशमेंट होता है, एस्टैब्लिशमेंट या इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, अब इनमें क्या होता है कि जो स्टेट यूनिवर्सिटी होती हैं, दीज आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ 12B ऑफ UGC एक्ट 1956। जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं इनको क्या किया जाता है, लिस्ट किया जाता है UGC एक्ट 1956 के अंदर में, एंड देखा जाता है कि भाई ये सारी यूनिवर्सिटी सेंट्रल असिस्टेंस के लिए जो है उनके लिस्ट के अंदर में आती है या नहीं आती है। सारी स्टेट यूनिवर्सिटी सेक्शन 12B के अंदर में नहीं है, बट जो यूनिवर्सिटी सेक्शन 12B के अंदर में है उनको स्टेट गवर्नमेंट तो फंड करती ही करती है, प्लस साथ में सेंट्रल जो गवर्नमेंट है उनसे भी फंडिंग मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो टोटल इंडिया में कितनी यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी 439, लेकिन इसमें से 259 जो यूनिवर्सिटी है तो इनको फाइनेंशियल एड स्टेट से भी मिलता है, साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट से भी इनको मिलता है। स्टेट यूनिवर्सिटी हमेशा डोमिनेट करती है, अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें इनका तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी अगर किसी में है तो वो स्टेट में है। यहाँ पे भी 439 है, यहाँ पे भी 239 है। सो 84% ऑफ टोटल जो इनरोलमेंट होता है स्टूडेंट्स का हायर एजुकेशन सिस्टम के अंदर में वो स्टेट यूनिवर्सिटी से ही आता है। इस वजह से यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो भी अपग्रेडेशन करना है या जो भी फैसिलिटी देनी है, ऑगमेंटेशन प्रोसेस करना है, सब कुछ इसमें स्टेट यूनिवर्सिटी भी फैसिलिटेट करती है एंड गवर्नमेंट भी करती है। बट यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि 439 दिस इज टोटल नंबर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटी, बट देर आर फ्यू यूनिवर्सिटीज लाइक 259 यूनिवर्सिटीज विच बिलोंग्स टू स्टेट यूनिवर्सिटी। दीज यूनिवर्सिटीज आर बींग फैसिलिटेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल, मतलब कि इनको फाइनेंशियल जो एड मिलता है, फाइनेंशियल जो सपोर्ट मिलता है वो केंद्र सरकार भी देती है, सेंट्रल से भी मिलता है। तो ये समझ में आ गया आपको कि स्टेट यूनिवर्सिटी को अगर इनकॉर्पोरेशन में लाना है तो प्रोविंशियल एक्ट या जो भी स्टेट का कानून होगा उसके अंतर्गत में लाया जाएगा, प्रॉपर इसका एफिलिएशन UGC जो ग्रैंड कमीशन है वो देगी 1956 के अंदर में, सेक्शन 12B के अंदर में। अगर वो खुद को रजिस्टर करना चाहती है तो उसको 12B की कुछ रिस्पॉन्स कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उनको मीट आउट करना पड़ेगा, वरना प्रॉपरली अगर वो 12B के अंदर में नहीं आती है तो उनको प्रॉपर स्टेट अगर यूनिवर्सिटी का एफिलिएशन चाहिए तो जो भी उनका UGC एक्ट की गाइडलाइंस है 1956 के अकॉर्डिंग उसके हिसाब से उनको एलिजिबल होना पड़ेगा। ये 12B काफी इंपॉर्टेंट है, इसको मिस मत करना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ टॉक अबाउट प्राइवेट यूनिवर्सिटी। सो व्हाट इज प्राइवेट यूनिवर्सिटी, सो जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती है ये प्रॉपर जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट होते हैं 1860 इसके थ्रू इनका एस्टैब्लिशमेंट होता है। मैं यहाँ पे लिखते हुए चलती हूँ, सोसाइटीज एक्ट
सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, इनके थ्रू में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का रजिस्ट्रेशन होता है एंड देन कंपनीज एक्ट के अंदर भी इनको रजिस्ट्रेशन किया जाता है. सेक्शन 25 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956, ठीक है, इज कॉल्ड प्राइवेट यूनिवर्सिटी, इज कॉल्ड एज प्राइवेट, इसको लिखते चलना आप लोग अपनी कॉपी में, यूनिवर्सिटी, ठीक है. सो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, दीज यूनिवर्सिटीज आर कॉम्पिटेंट टू अवॉर्ड डिग्रीज एज स्पेसिफाइड बाई यूजीसी के सेक्शन 2022 के अकॉर्डिंग अगर देखें. सो यूजीसी का जो सेक्शन 22 है इसके अकॉर्डिंग ये क्या कर सकती है, डिग्रीज को दे सकती हैं. किनको दे सकती हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको डिग्री अवार्ड करने का इनके पास में राइट होता है, इनका मेन कैंपस होना चाहिए. एंड फर्स्ट अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात करें तो 1995 में सेटअप हुई थी, दैट वाज सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी. दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच वाज फर्स्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी गाइज, फर्स्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी वॉज सिक्किम मणिपाल University was the first private university. Mark my points. And in 1995 पे इसका establishment हुआ था. So this question might be asked in the examination. Very important guys, इसको लिख लेना, ठीक है. And सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ मेडिकल एंड टेक्नोलॉजिकल साइंसेस गैंगटोक, ये पूरा यूनिवर्सिटी का नाम था. सो दिस इज ऑल अबाउट प्राइवेट यूनिवर्सिटी एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटी का जो इनकॉर्पोरेशन होता है या जो रजिस्ट्रेशन होता है, एस्टैब्लिशमेंट होता है, वो हमेशा सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत में होगा. एंड ऑल्सो इसको सेक्शन 25 ऑफ कंपनीज एक्ट के अंदर भी खुद को रजिस्टर करना पड़ेगा 1956 के अकॉर्डिंग, तब वो कहीं जाकर के प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर में इनरोल हो पाएगी. एंड यूजीसी की प्रॉपर गाइडलाइंस इनको फॉलो करनी पड़ेगी. तो हमने क्या समझा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में समझा, स्टेट के बारे में समझा, प्राइवेट के बारे में समझा. नाउ टॉक अबाउट, लेट्स टॉक अबाउट डीम्ड यूनिवर्सिटी. सो डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या होती है, सो दीज यूनिवर्सिटीज आर हाई परफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशन जिन्होंने, जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेक्शन 3 के अंदर में, यूजीसी एक्ट सेक्शन 3 के अंदर में डिक्लेयर किया हुआ है कि ऐसी सारी यूनिवर्सिटीज जो कि हाई परफॉर्मेंस दे रही हैं या हाई परफॉर्मेंस इंस्टीट्यूशन है यूजीसी एक्ट 1956 के सेक्शन 3 के अंदर में, उनको डीम्ड यूनिवर्सिटी माना जाता है. सो लेट मी राइट ऑल दीज थिंग्स हियर ऑन द स्क्रीन. यूजीसी एक्ट 1956. We are talking about deemed university, deemed to be universities. There are 126 deemed university, and when we talk about section 12, subsection B के अंदर में, so there are 47 जो हैं deemed universities हैं, जिनको state government से भी affiliation, जिनको central government proper financial aid provide करती है अपने infrastructure augmentation process के लिए, development के लिए, सारी चीजों के लिए, right? सो लेट्स टॉक अबाउट कि कैसे इनका रजिस्ट्रेशन होता है एंड बाकी सारी चीजें. सो यूजीसी एक्ट 1956 के सेक्शन 3 के अंदर में ये सारी यूनिवर्सिटीज को माना जाता है जो कि हाई परफॉर्मेंस है, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको मान लिया जाता है कि ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है. एंड दिस कैन बी अप्रूव्ड ओनली बाय एन एग्जीक्यूटिव ऑफ यूजीसी रिकमेंडेशन. ये कोई भी जो यूजीसी का एग्जीक्यूटिव होगा, प्रतिनिधि होगा, तो उनकी रिकमेंडेशन पे ही इनका अप्रूवल हो सकता है. अगर बात करें इंडिया में तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर एंड इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली, ये दो दीज आर द फर्स्ट, वेरी फर्स्ट टू इंस्टीट्यूट टू बी ग्रांटेड एज डीम्ड स्टेटस. दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन कि वो कौन सी यूनिवर्सिटी है, पहली दो यूनिवर्सिटी का नाम बताओ या फर्स्ट यूनिवर्सिटी का नाम बताओ जिनको डीम्ड यूनिवर्सिटी का बोल सकते हो कि स्टेटस मिला हुआ था. तो कौन थी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IIS, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर प्लस इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली, ठीक है. ये दो पहली यूनिवर्सिटी थी, फर्स्ट एंड सेकंड, जिनको मिला था सबसे पहली बार डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस, ठीक है. एंड IISc, दैट मीन्स की इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस, इनको स्टेटस मिला था 1958 में, एंड देन इनको मिला था 1908 में मिला था, ठीक है.
सो इनको स्टेटस मिला था, कब मिला था, 1958 में मिला था डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस, एंड एस्टैब्लिशमेंट प्रॉपरली इनका कब हुआ था, 1908 में ही सेटअप हो गया था, बट 1958 में इन दोनों यूनिवर्सिटी को डीम यूनिवर्सिटी कंसिडर किया गया था। यूनिवर्सिटी काफी पुरानी थी लेकिन ये स्टेटस इनको कब मिला था, 1958 में मिला था। डन। सो अगर बात करें कि मणिपाल अकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, दिस वॉज द फर्स्ट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन टू बी डिक्लेयर्ड एज डीम्ड यूनिवर्सिटी 1976। अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ये पूछता है कि फर्स्ट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन कौन से हैं जिनको समझा गया एज अ डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस प्रोवाइड किया गया, तो दैट वॉज मणिपाल, दैट वॉज मणिपाल अकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन। ठीक है, मणिपाल अकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, ये जो इसको बोलते क्या MAHE, काफी इंपॉर्टेंट है MAHE। ठीक है, ये पहली प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है जिसको डिक्लेयर किया गया था डीम्ड यूनिवर्सिटी 1976 में। मार्क माई पॉइंट, 1976 में ये पहली प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मणिपाल अकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन 1976 में प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, पहली बार 1976 में इनको डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिला था, पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। सो अगर एक क्वेश्चन इसमें और पूछ लेता है कि पीएन टंडन कमिटी इन 2009 इन्होंने 44 डीम्ड यूनिवर्सिटी को ब्लैकलिस्ट करने के लिए बोला था, और बोला था कि ये 44 जो भी यूनिवर्सिटीज हैं जिनको हमने डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस प्रोवाइड किया है, इनके पास में जो एक एलिजिबल क्वालिटी होनी चाहिए डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस पाने के लिए, वो क्वालिटी लैकिंग है। तो इनसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि वो कौन सी कमिटी थी जिसने सजेशन दिया था, और उनके सजेशन के बेसिस पे 44 डीम्ड यूनिवर्सिटी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था। सो दैट कमिटी वॉज पीएन टंडन कमिटी, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, पीएन टंडन कमिटी। ठीक है, सो पीएन टंडन कमिटी के अकॉर्डिंग 2009 में क्या किया था, इन्होंने बोला कि भाई 44 ऐसी डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं, है ना, जो कि जिनको हमने डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस तो दे दिया है, बट जो एक बेसिक गाइडलाइंस होती हैं या जो क्वालिटी रिक्वायर्ड होती हैं वो लैकिंग है। सो दिस इज ऑल अबाउट स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटी। सो अगेन इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग, एंड लेट्स टॉक अबाउट इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, के ऐसे सारे इंस्टीट्यूट हैं जिनका इंपॉर्टेंस राष्ट्रीय स्तर पे सबसे ज्यादा है। सो दे आर 130 इंस्टीट्यूट हु आर actually institute of national importance, आपके सामने स्क्रीन पर कुछ मैंने दिखाया हुआ है, that is majorly important, like there are 23 IITs in our country, 15 AIIMS, AIMS, we call it AIMS, 20 IIMS, that is management institutes, Indian Institute of Management, there are 31 NITs, there are 25 IIITs, there are 7 IISERs, there are 7 again NIPRs, there are 5 NIDs, there are 3 SPS, 5 Central University, 4 Medical Research Institute and 16 other specialized institution, and there are further some other institutions and other colleges जिसको यार मेंशन नहीं किया है, बट दीज आर द मेजरली एंड फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन एज पर योर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। सो इफ इन एग्जामिनेशन पूछता है कि हाउ मेनी इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, नंबर अगर आपसे पूछता है, यू हैव टू टेक 130 टोटल है। ठीक है, बट यहाँ पे जो मेजरली इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको दिखा दिया कि 23 ये है, 15 है। अगेन गाइस प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर जो भी है आपका स्क्रीन का ले लेना, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। लेट्स टॉक अबाउट NIRF, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। ये हर साल बोलती है कि हमारी कंट्री में इंजीनियरिंग में सबसे नंबर वन कॉलेज कौन सा है, यूनिवर्सिटी कौन सी है, मैनेजमेंट में कौन सा है नंबर वन, है ना, मेडिकल में कौन सा है नंबर वन, तो अलग अलग बनाया हुआ है, मेडिकल का अलग है, इंजीनियरिंग का अलग है, देन अगेन आपके रिसर्च का अलग है, ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है उसका अलग है। तो अभी हम समझेंगे कि 2021 के अकॉर्डिंग, क्योंकि लेटेस्ट हम पढ़ रहे हैं किसका, 2021, सो 2021 के अकॉर्डिंग, NIRF के अकॉर्डिंग, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग, इंडिया की सबसे नंबर वन यूनिवर्सिटी कौन सी है ये जानेंगे, एंड नंबर वन कॉलेज कौन सा है ये जानेंगे। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अभी थोड़ा सा पढ़ लो NIRF के बारे में। सो
इनको अप्रूव कौन करता है? एमएचआरडी करती है. अगेन एमएचआरडी इज बीन रिप्लेस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. माय पेन इज टोटली खराब हो चुका है ये. आई डोंट नो कि क्या इसके अंदर में है. अब बार बार ये बहुत ही पैनिकिंग मी अलॉट. एंड वॉज लॉन्च 29 सितंबर 2015. एनआईआरएफ को कब लॉन्च किया गया था? 2015 में लॉन्च किया गया था. द फर्स्ट लिस्ट जो उन्होंने रिलीज की थी 2016 में रिलीज की थी फर्स्ट लिस्ट अपनी, कि कॉलेज नंबर वन इंडिया में कौन सा कॉलेज है, यूनिवर्सिटी कौन सा अच्छा है. एंड देन कैटेगरी वाइज भी बताया था कि इंजीनियरिंग में कौन सा कॉलेज अच्छा है, मेडिकल में कौन सा अच्छा है, देन मैनेजमेंट में कौन सा अच्छा है, फिर ओवरऑल कौन सा अच्छा है, मतलब सबको मिला करके अगर बोले तो कौन सा अच्छा है. ठीक है. सो दिस फ्रेमवर्क आउटलाइंस मेथोडोलॉजी टू रैंक इंस्टीट्यूशन. ये रैंक करती है इंस्टीट्यूशन को. हमारे कंट्री में जितनी भी अलग अलग इंस्टीट्यूशन है, लाइक आई हैव शोन यू ऑल दीज इंस्टीट्यूशन विच बिलोंग्स टू नेशनल इंपॉर्टेंस, देयर आर 130. अगेन आई एम टेलिंग यू, मार्क माई पॉइंट, राइट इट डाउन ऑन योर कॉपी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड नाउ द मेथोडोलॉजी ड्रॉज फ्रॉम द ओवरऑल रिकमेंडेशन एंड ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग अराइव बाई कोर कमिटी सेटअप बाई एमएचआरडी. एमएचआरडी की यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की, जो दिस नेम हैज बिन रिप्लेस बट वी हैव टू रिपीट इट अगेन एंड अगेन बिकॉज सो एज कि आपके माइंड में ये सेटअप हो जाए. सो प्रॉपर रिकमेंडेशन, प्रॉपर बोर्ड ऑफ मेंबर्स बैठते हैं, अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग होती है, डिस्कशन होता है कोर कमिटी के, एंड देन वी डिसाइड कि भाई कौन सी यूनिवर्सिटी को इंजीनियरिंग के लेवल में फर्स्ट रखा जाएगा, रैंकिंग कौन सी दी जाएगी. सो देर आर ब्रॉड पैरामीटर्स फॉर रैंकिंग वेरियस इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटीज इन इंडिया, एंड सारे ब्रॉड पैरामीटर्स को हम देखते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट रैंकिंग 2021. ये मैंने लिया है, एकदम ओरिजिनल डेटा है. वेन वी टॉक अबाउट कॉलेज, इस वक्त हमारे इंडिया में सबसे नंबर वन कौन सा कॉलेज है? दैट इज मिरिंडा हाउस. दिस इज अ फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन. गाइज मार्क माई पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगेन राइट इट डाउन और टेक द स्क्रीन शॉट. Mirinda House, Delhi. This is number one college of India, Indian ranking according to NIRF, that is National Institutional Ranking Framework. This is very important. So Mirinda House is number one college of India. Then second is Lady Shri Ram College for Women, Delhi. These are not important. They ask about only first and the जो पहली रैंकिंग है, दे टॉक अबाउट ओनली एंड दे आस्क अबाउट ओनली दैट क्वेश्चन. सो मिरिंडा हाउस, यू हैव टू रिमेंबर दिस नेम, यू हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ दिस कॉलेज. व्हेन वी टॉक अबाउट यूनिवर्सिटी, सो नंबर वन यूनिवर्सिटी इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलुरु. दिस इज नंबर वन यूनिवर्सिटी. हियर यू कैन सी द 10 टॉप जो भी यूनिवर्सिटी है इंडिया की. सो देन सेकेंड नंबर इज JNU, दैट इज जवाहरलाल नेहरू, एंड BHU, दैट इज भारत हिंदू यूनिवर्सिटी, इज वाराणसी. थर्ड नंबर पे है इंडिया के सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज में बात करें, सो BHU इज ऑन थर्ड नंबर. कैलकटा यूनिवर्सिटी, कोलकाता. देन फोर्थ नंबर अमृता विश्व विद्यापीठम कोयम्बतूर. दिस इज ऑन फिफ्थ नंबर. जामिया मिलिया इस्लामिया इज ऑन सिक्स नंबर. मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन सिस्टम, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन. जस्ट अभी बात किया कि मणिपाल, दैट इज MAHE, दिस इज MAHE. So this was the first private institution to be declared as deemed university in 1976. अभी just पढ़ा कि 1976 में ये पहली आपकी private university थी जिसको deemed university के अंदर में consider किया गया था. That is Manipal Academy of Higher Education in Manipal. So when we talk about 8th number according to universities ranking of National Institute of Ranking Framework, that is Jadavpur University, Kolkata again. There are two universities of Kolkata. Fourth number pe Calcutta University, and then eighth number pe Jadavpur University. Then University of Hyderabad, Aligarh Muslim University. This is top 10 university. You have to remember the very first one, and you can remember the first three one. First three they can ask, but most probably they ask the first one. Okay, so this is very important when we talk about overall. So guys, now understand this. This is top college of India. This is top college of India according to 2021. So that is Mirinda, top college when we talk about. When we talk about university, number one university of India, according to NIRF ranking 2021, that is Indian Institute of Science, Bangalore. When we talk about overall ranking, it includes everything, every institution, every college, each and everything. So that is Indian Institute of Technology, Madras. So now here, there are three different universities. When we talk about overall university, so that is Indian Institute of Technological, Madras. Here, Bangalore is on number second. But when we talk about university, top 10 universities, so Bangalore is on first.
when we talk about overall ranking, so in examination they will ask you precise question कि overall ranking पूछ रहे हैं या university पूछ रहे हैं या college पूछ रहे हैं, so they can confuse you, so write it down and इसको याद कर लेना अच्छे से कि when we talk about overall ranking, so there will be your answer would be Indian Institute of Technical Madras, Technology Madras, okay. So now here you can see the 10 top 10, so BHU is here on the 10th number. 10th number पे BHU है, ठीक है, so इसको देख लेना, this is very important guys, again I'm marking, this is very important, आज का session was very important, so whosoever has watched today's session, आपके लिए काफी informative होने वाला था and हुआ ही होगा, I hope कि आपने session enjoy किया होगा, if there is any question, any doubt, so you can write me in the comment section, I always take everybody's questions, everybody queries and try to answer, try to reply every each and single student. So I hope you guys have enjoyed today's session. Jaisa laga mujhe batana. You guys can visit in the playlist section. There you can find the total series, each and everything of teaching aptitude, also research aptitude. Now I'm trying to upload something like started unit number 10, that is higher education system. Now I'll try to upload every day a single unit of research aptitude and teaching aptitude and then people development and environment mix karenge, miscellaneous karenge. Probably we'll do remaining 30 questions जो हम लोगों ने कल किया था उसका 30 questions probably we'll do today itself by 9 PM. I will tell you guys in telegram link कि वो वाला session कब करेंगे, that session is very important, 30 questions हमने already कल कर लिया था, remaining 30 will do today itself, okay. So let's see कि कैसे कर पाते हैं and time अगर रहा तो we'll do it. बाकी जैसा भी रहा I'll update you and inform you on telegram. So if you like this session please subscribe and share with your friends. This is totally free. I'm not gonna charge any single thing या any single penny from you. If you are new on my channel, so subscribe my channel. If already subscribe my channel, so do like and share and जैसा भी होगा feedback, just tell me. Also जो है पक्का से इसको press कर लेना. This is bell icon because you guys don't press the bell icon and then complain कि मैम notification नहीं आ रहा है. Sometimes YouTube also do some kind of badmashi, but still. So be passionate guys and be your own motivation. Like, share and subscribe होता रहना चाहिए. अभी कुछ पढ़ेंगे हम लोग, कुछ important topic है like there are some committees and commissions in higher education system जिसे examination में question आते हैं. Then we'll move toward the administration and policy part of higher education system. काफी important है. Examination में 5 questions आते हैं इस unit से and 2-3 questions जो हैं इसी से आ जाते हैं, आपकी university से आ जाते हैं, university वाले से जो आज हमने पढ़ा. देन आ जाते हैं आपके कमीशन से क्वेश्चंस, ठीक है, कमीशन से भी आते हैं एंड देन उससे भी आते हैं आपके जो एडमिनिस्ट्रेशन वाला पोर्शन है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिसी वाला पोर्शन, ठीक है. तो विल कवर ऑल दीज थिंग्स इन द मीन टाइम, सो स्टे अपडेटेड, ऑल द वेरी बेस्ट, टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, शुभ नवरात्रि सभी को.